हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यस बैंक और जी लर्न के बारे में। तो जी लर्न एक यहाँ पर एजुकेशनल कंपनी है और आप यहाँ देखेंगे आज के दिन में इसका शेयर जो है 9.55% यहाँ पर डाउन साइड में चल रहा है यहाँ पर। और आप ग्राफ पर देखें तो ऑलमोस्ट इसने जो आज का यहाँ पर 9.5% का डाउन सर्किट यहाँ पर लोअर सर्किट लगाया हुआ है यहाँ पर। और अभी का जो प्राइस देखेंगे आप 9 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है आज के दिन में। वहीं पिछले 5 दिनों की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 दिनों में तो यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली है। 38.98% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 39% की आप यहाँ देख सकते हैं गिरावट पिछले 5 दिनों में इसमें हुई है। तो इसके पीछे क्या बड़ी न्यूज़ है और इसमें यस का क्या हाथ अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको न्यूज़ पे ले चलता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं न्यूज़ में जी लर्न ड्रॉप्स 18% यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली थी ये कल परसों के दिन में यहाँ पर मंडे और ट्यूजडे में। और आप यहाँ देख सकते हैं क्या है कि यस बैंक इनिशिएट्स इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट फर्म। आपको यहाँ बता दूँ मैं, इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कंपनी ने यस बैंक ने इसको जी लर्न को यहाँ पर दिवालिया घोषित कर दिया है। दिवालिया घोषित इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो इनका जो पैसा है यहाँ पर कंपनी रिपेमेंट नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मैं हिंदी मीनिंग बताया था आपको, इंसॉल्वेंसी मीन्स दिवालियापन। तो यहाँ पर कंपनी ने इसको दिवालियापन घोषित करके यहाँ पर इसका जो पैसा जो यहाँ पर उसको रिकवर करने की यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, जिसके चलते यहाँ पर शेयर में उस दिन यहाँ पर 18% की गिरावट देखने को मिली थी। और जो 9% की आज यहाँ गिरावट है ये इसमें इंक्लूड नहीं है, उसको आप ऐड करेंगे तो टोटल 5 दिनों में आप मैंने जो आपको गिरावट बताई है पिछले 5 दिनों टोटल 39% की यहाँ पर इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है मंडे के बाद से ही। तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे और आज थर्सडे चल रहा है, तो पिछले 4 दिनों में आप देखेंगे तो 4 दिनों में ये आसपास 35 से 40% गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे शेयर ऑफ जी लर्न टम्बल्स मोर देन 18% ड्यूरिंग द अर्ली ट्रेड ऑन ट्यूजडे। तो ये ट्यूजडे की न्यूज़ आप देख सकते हैं, ट्यूजडे के दिन ये 18% गिरा था, कल भी शेयर में गिरावट देखने को मिली थी और 9% आज वापस यहाँ पर इसको गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिल रही है इसमें। और आप यहाँ देख सकते हैं यस बैंक फाइल्ड अ प्ली ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एजुकेशन कंपनी। तो यहाँ पर कंपनी ने दिवालिया इसको घोषित करके यहाँ पर इसका जो पैसा फंसा हुआ उसको निकालने की यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट कर दी यस बैंक ने, क्योंकि यस बैंक ने इसको लोन दिया था, इसने रीपेमेंट नहीं किया था। अब आप देख सकते हैं रीपेमेंट कितने का था, आप मेरे को मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ द प्राइवेट सेक्टर लेंडर मूव नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो यस बैंक जो है यहाँ पर, इसने यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो होता है यहाँ पर, इसको ओपन करते हैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में NCLT, तो इसके ऊपर यहाँ पर चला गया है यस बैंक और इसने यहाँ पर इनिशिएट किया है यहाँ पर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट जी लर्न के ऊपर। तो यहाँ पर यस बैंक ने कार्रवाई की है जिसके चलते इसका शेयर जो है जी लर्न का शेयर यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिला है यहाँ पर। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं शेयर ऑफ जी लर्न टैंक मोर देन 18% टू 11.41 बिफोर रिकवरिंग टू RS 11.57। तो ये जो था शेयर मंडे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मंडे को यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.96 ये क्लोज हुआ था, उसके बाद ट्यूजडे को ये 11 रुपये पा चुका था और अभी का प्राइस देखेंगे 9 रुपये पे चल रहा है शेयर। तो इतनी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। और जो लोन अमाउंट की मैं आपको बात कर रहा था आप यहाँ देख सकते हैं 468 करोड़ का यहाँ पर यस बैंक का जो लोन है इसके पास में, तो 468 करोड़ का लोन यहाँ पर कंपनी रिपेमेंट नहीं किया है, डिफॉल्ट कर दिया है, जिसके चलते जो यस बैंक है यहाँ पर जो ये चला गया है अपर में LCLT के पास में। तो LCLT क्या होता है कि ये नेशनल कंपनी एक लॉ होता है जिसके तहत यहाँ पर कंपनी का कोई बैंक का कोई कंपनी पैसा खा जाती है तो बैंक उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है यहाँ पर उसको दिवालिया घोषित करके। तो यस बैंक भी कुछ ऐसा ही करने वाला है जिसके चलते इस शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यही था इस न्यूज़ में, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।